हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुल्तानगंज बाबा धाम कंवरिया पथ पर आ चुके हैं और फिर से एक नए अपडेट के साथ जो है ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का जो पुल दिख रहा है आपको, ये नावाडीह हॉल्ट का पुल है। और आप सभी यहाँ पर यात्रा करते हुए आते होंगे तो ये आपको जो है दिखता होगा, ठनठनिया धर्मशाला के बाद जो है ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो इधर का पथ आप सभी को दिखाते हुए बढ़ेंगे। आज का अपडेट जो है यहाँ का कैसा है, इधर का लगातार आप सभी को कंवरिया पथ का अपडेट देते ही रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि आप सभी को पूरा जानकारी देते रहें अपने ब्लॉग के माध्यम से। देख पा रहे हैं इधर का दुकान वगैरह, देखिए पूरा टूटा हुआ है इधर। तो यहीं पर जो है देखिए ठनठनिया धर्मशाला आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए आपको मिथिला का जो है आपको यहाँ पर दुकान भी मिलेगा जहाँ पर सालों सेवा मिल जाता है इस दुकान का। और ये हो गया आपका ठनठनिया धर्मशाला। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसा अभी का जो है पूरा एकदम खाली है। यहाँ पर एक भी कोई नहीं दिख रहे हैं बमजी यहाँ पर। तो अभी तो यात्रा जो है वैसे ही हो रहा है, महिनवारी जो बमजी चलते हैं वही लोग जो रुकते हैं। और ये वाला दुकान का कंडीशन देख लीजिए, पूरा यहाँ पर जो है टूटा हुआ है वैसे ही है। इसमें कुछ अभी मरम्मत का काम जो है नहीं किया जा रहा है। आगे चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ का पथ देख लीजिए, यहाँ तक इधर भी जो है पाइप का काम हो रहा था तो इधर भी जो है कवर कर दिया गया है। तो इसके आगे काम बढ़ाया गया है कि नहीं, इसके आगे भी किया गया है क्या, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जो है दिखाते चलते हैं। तो इधर तो कुछ वैसा खुदाई देखने को नहीं मिल रहा है पथ में, वहीं तक था लगता है कि वाटर वाला जो काम हुआ था तो वहां तक मैंने आपको अपडेट दिया था। और जहां तक जो काम हुआ था वो सब जो कंप्लीट भी हो चुका है इधर तो, जो कि आप सभी को शेयर कर चुके हैं। और इधर का देख लीजिए पूरा दुकान वगैरह कैसा है, आप देख ही पा रहे हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। इधर देख लीजिए ये सारे जो दुकान एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए नया नया बांस जो है थोड़ा बहुत इसमें जो है यहाँ पर रखा हुआ भी है और उसमें कुछ लगाया भी गया है, बांधा जा रहा है। तो दुकान का जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पे तैयारी देखने को जो है मिल रहा है। और देख लीजिए इधर का पथ तो बहुत खराब है, यहाँ पर ग्रामीण इलाका हो गया आपका, इधर ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए कितना जो है इधर का पथ है। इधर भी देख लीजिए पूरा मिट्टी थोड़ा बहुत जो है इधर पे गिराया गया है दुकान के लिए। और लगातार आप सभी को अपडेट दे रहे हैं कंवरिया पथ पर जो भी होता है, जिससे जितना भी बन पड़ता है आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। और आप सभी का जो है कंप्लेन भी आ रहा था कि आपको वीडियो बहुत हिलता है, तो ऐसा नहीं है, पथ बहुत खराब हो जाता है इस वजह से भी परेशानी होती है थोड़ा। और ट्राइपॉड जो होता है ना थोड़ा हिलता भी है, हाथ हिल जाता है इसी वजह से भी। लेकिन पूरा कोशिश करते हैं आप सभी को दिखाने का, क्योंकि हाथ में लेकर बनाते हैं ट्राइपॉड हाथ में रहता है, और जो ट्राइपॉड हाथ में रहता है तो हाथ हिलता है क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा जो है कैमरा कभी कभी बहुत ज्यादा हिलने लगता है। तो चलिए आप लोग कंप्लेन करते रहिए कमेंट में और हम लोग जो है सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और आपका जो है जो भी हो, आप लोग जो भी दिक्कत हो जो भी रहता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जितना प्रयास रहता है हर संभव प्रयास हम करते हैं कि आप सभी को जो है अच्छे से दिखाएं कंवरिया पथ के बारे में। और अच्छा बुरा कमेंट सब तरह के आते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कमेंट्स भी आते हैं तो कुछ ऐसे भी कमेंट करते हैं जो कि अच्छे भी नहीं लगते हैं। लेकिन जो भी है मेरा काम है आप सभी को शेयर करना, और जो भी मैंने अपना जिम्मा उठाया है बजरंग बली है, आप लोग दर्शन कीजिए जय बजरंग बली। और दुकान वगैरह इधर का देख लीजिए कुछ कुछ एक्टिव रहता है जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए चापाकल है। तो मेरा जो प्रयास है वो हम करते रहेंगे जैसा जो भी होगा, बाकी क्या सोचते हैं उसे इग्नोर करना है, अच्छा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जय बजरंग बली। और लगातार आप सभी को ऐसे ही आगे भी अपडेट देते रहेंगे जितना मुझसे होता है, कोशिश कर रहे हैं लगातार आप सभी को जो अपडेट देते रहें। और आप सभी को कंवरिया पथ पर दिखाने के लिए आते ही रहते हैं। और इधर जो है देख लीजिए यहाँ पर भी मिट्टी गिरा हुआ है। तो झारखंड का जो है इधर मैंने जो है बिहार का शेयर किया था आपको, कुछ बिहार का कुछ एरिया जो बोल सकते हैं, बिहार का कंवरिया पथ तो काफी लंबा है, तो कुछ जगहों का मैंने जो है बिहार का भी शेयर किया है। और आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे इसके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी जो है शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा।
और लगातार आते हैं तो परेशानी होती है, मेहनत भी लगती है, खर्च भी होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, लेकिन वो जो है यूट्यूब की तरफ से मुझे मिलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस जो है हमेशा कांवरिया पथ से आप सभी को जोड़कर रखने का जो है कोशिश कर रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो उनको यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है और आप सभी को जोड़ के रखने का जो है कोशिश कर रहे हैं कांवरिया पथ से। सारा अपडेट जो भी आप सभी को देते रहते हैं, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकालिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों की तरफ से यही सपोर्ट रहेगा तो मुझे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है यूट्यूब की तरफ से मिलेगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और जितना हो सकेगा हर संभव प्रयास करेंगे आप सभी को दिखाने का। 22 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा आप सभी को जो है शिविर से लेकर कांवरिया पथ से लेकर जो भी दुकान की तैयारी होगी, सारा कुछ जो भी पथ में देखने को मिलेगा आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं दांडी बम जी है जो की यात्रा करते हुए देखिए बढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी है, देख पा रहे हैं, हर हर महादेव, बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए एक और यहाँ पर आके देखिए, यहाँ का पथ देखिए कितना खराब है, देख पा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा यहाँ का पथ अभी खराब है, देख पा रहे हैं पूरा मट्टी जो है निकल गया है, तो भर गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं और दांडी बम जी है यात्रा करते हुए बढ़ रहे हैं, हर हर महादेव, देख पा रहे हैं। तो इतनी गर्मी में भी जो है दंडी यात्रा करते हुए जो है बढ़ते हैं, पैदल यात्रा, महीनवारी, साप्ताहिक, सभी जो है बम देखने को मिलते हैं, पूरे साल जो है साल यहाँ पर यात्रा होती है, काफी अच्छा लगता है। और इधर भी देख लीजिए कुछ कुछ जो है यहाँ तैयारी देखने को मिल रहा है, मिट्टी वगैरह बांस वगैरह इधर भी गिरे हुए हैं, दुकान की तैयारी ही ज्यादा देखने को जो है पथ पे मिल रहा है अभी, लगातार आप सभी को जो है दिखाते रहते हैं। और पथ की जो तैयारी है, जो भी टेंडर हुआ था जून के महीना से, सुने थे कि स्टार्ट होगा, तो आप सभी को अपडेट भी दिए थे, जानकारी भी दिए थे, लेकिन जून महीना जो है एक सप्ताह जो है लगभग पार हो गया है, तो एक सप्ताह यहाँ पर चापाकल है, एक सप्ताह पार हो गया है, देखिए आगे कैसा जो है तैयारी कब से शुरू होता है, जैसे ही शुरू होगा वो तो देखेंगे ही और आप सभी को दिखाते ही रहते हैं। कांवरिया पथ पे आना जाना लगा रहता है क्योंकि जो है आप सभी को लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर जो इधर भी ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर भी बहुत दुकान लगता है, इधर शौचालय वगैरह भी है, यहाँ पर चापाकल भी है, यहाँ पर देखिए। और ये सब दुमा बॉर्डर के पार जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको जो है ये सब दुकानें वगैरह मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी जो है बमजी रुके हुए हैं, देखिए दुकान में, तो बहुत सारी दुकान ऐसे भी हैं, यहाँ पर भी इधर भी बांस पूरा देखिए गिरा हुआ है, देख पा रहे हैं। कुछ कुछ तैयारी देखने को जो है मिलेगा, आप दुकान में ही ज्यादातर तैयारी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देख लीजिए बहुत सारा बांस यहाँ पर भी लाके रखा हुआ है साइड में, तो नया नया बांस देखने को मिल रहा है। अब दुकान की तैयारी को लेकर जो है बहुत सारे लोग जो है दुकान की तैयारी में जो है अब शुरू कर दिए हैं थोड़ा बहुत, और पथ में कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रहा है। और इधर आप देख लीजिए लगातार इधर दुकान है जो कि एक्टिव रहता है, जो महीनवारी बमजे आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, तो ये सब ज्यादा दुकान में जो है रुकते हैं। अब धर्मशाला जहाँ पर नहीं है तो वहां तो दुकान में जहाँ पर रुकते हैं, बहुत सारे बमजी को है धर्मशाला पसंद आता है तो धर्मशाला में भी रुकते हैं, बहुत सारे धर्मशाला के बारे में भी बताते हैं कि बहुत अच्छी जो है वहाँ पर सुविधा जो हमको मिलता है, तो वहीं पर रुकना जो है पसंद करते हैं। और यहाँ पर भी जो है दो बार से देख रहे हैं कुछ मिट्टी वगैरह डाला जा रहा है, किस परपस से है कुछ पता नहीं, लेकिन देख के लग रहा है कि वहां पर छोटा छोटा देखिए शौचालय जैसा ही बन रहा है, तो क्या कुछ है शिविर को लेकर है, क्या है देखेंगे आगे, जैसा यहाँ पर अपडेट रहेगा आप सभी को जो है शेयर करेंगे, क्योंकि कांवरिया पथ के जस्ट बगल में है वो, वहां पर मिट्टी वगैरह डाला जा रहा है, पूरा पानी से भी जो है मिट्टी भर कर जो है उसको बिठाया जा रहा है, और जैसा अपडेट होगा आप सभी को दिखाते ही रहते हैं, आगे भी दिखाएंगे। और इधर का दुकान आप देख लीजिए, और वीडियो काफी लंबा हो जाता है कांवरिया पथ का, क्योंकि आपको लगातार पूरा दिखाने का जो है प्रयास करते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन रहते हैं कमेंट में, सवाल रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। इस वाली दुकान में भी देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर मिट्टी वगैरह गिराया हुआ है, बांस वगैरह देख पा रहे हैं। और देखिए सामने में हम लोग पहुंच चुके हैं, दुमा बॉर्डर पार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, झारखंड में प्रवेश करने के बाद जो है आपको ये मिलेगा आपको टिकट काउंटर,
यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर भी अभी वैसा कुछ यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से अभी कुछ तैयारी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी कांवड़िया पथ का हो या फिर और जो भी है प्राइवेट जो भी तैयारी जैसे दुकान वगैरह का है वही सब जो है देखने को मिल रहा है। और थोड़ी बहुत आपको पहले भी अपडेट दे चुके हैं, नाला वगैरह जो भी क्षेत्र में बनता है पाइप का हो गया जो भी हो गया ये सब अभी मिल रहा है, क्योंकि जब बालू बिछ जाएगा तो उसके बाद जो है आपको फिर ये सब तैयारी नहीं हो पाएगा। तो क्षेत्र के लिए ही वो सब तैयारी होती है, लेकिन सब कांवड़िया पथ में ही आता है। तो जो भी तैयारी होती है बालू बिछने के पहले जो भी अभी तैयारी करना होता है, जो भी टेंडर हो चुका होता है, तो उसका जो है तैयारी जो है किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखे कुछ दुकान जो है यहाँ पर बांस वगैरह ला के रखा हुआ है, तैयारी जो है यहाँ पर किया जा रहा है, दुकान का बांस वगैरह बांध कर रखा हुआ है। तो चलिए अभी दुमा बॉर्डर यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। ये देखिए इधर भी पूरा जो है यहाँ पर व्यवस्था रहता है, चापाकल शौचालय इधर भी है। चलिए यहाँ से है ये आपका ब्रिज हो गया, ऊपर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और सामने में आप देख पा रहे हैं दुमा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, बिहार झारखंड का बॉर्डर, यहाँ पर आपको शौचालय मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, जो भी आगे का अपडेट होगा आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे और लगातार आप सभी को शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक जो है अपडेट पहुंचेगा आपके माध्यम से। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।